क्या आपको भी लगता है कि आपकी स्टोरीज तो अच्छी होती हैं बट वो ऑडियंस तक डिलीवर नहीं हो पाती हैं? आपके अंदर वो उम्फ फैक्टर नहीं होता जिससे ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर सकें और बोले वाओ आई लव योर स्टोरी? आई थिंक यू माइट बी मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एंड दैट इज फंक्शनल जेस्चर। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्या डूज एंड डोंट्स हैं जब फंक्शनल जेस्चर्स की बात होती है, कितने टाइप के फंक्शनल जेस्चर्स होते हैं और कैसे आप अपने फंक्शनल जेस्चर का क्वोशेंट बढ़ा सकते हैं। स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब राइट नाउ। आपको लग रहा होगा फंक्शनल जेस्चर्स ये कौन सी चीज है, ये क्या नई चीज बताने वाले हैं? वेल लेट मी टेल यू, हम सभी फंक्शनल जेस्चर्स यूज करते हैं। अगर देखा जाए तो नेचुरली ही हम बहुत सारे हैंड मूवमेंट करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, बट जब हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं, तो कई बार हम कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इसलिए हमें फंक्शनल जेस्चर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट रिसर्च शो करता है कि जब आप जो भी आप बोल रहे हैं उसके साथ जेस्चर्स को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो आपके मैसेज का इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। सो दिस इज़ वाई यू नीड टू लर्न अबाउट फंक्शनल जेस्चर्स, बिकॉज इट कैन हेल्प यू कन्वे इमोशन, इट कैन इन्हेंस द क्लैरिटी एंड इट कैन मेक योर स्टोरी मेमोरेबल एंड स्टिकी। तो आइए बात करते हैं कितने टाइप के फंक्शनल जेस्चर्स होते हैं एंड कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ फंक्शनल जेस्चर एंड दिस आई एम टेलिंग बाय अ रिसर्च डन इन 1968 बाय दिस टू जेंटलमैन नेम इकमन एंड फ्रीजन। उन्होंने 1968 में एक स्टडी की थी और उसके बाद दे कम अप विद दिस फाइव टाइप ऑफ जेस्चर्स दैट वी यूज और वी कैन प्लान इन आवर स्टोरी टेलिंग। सो पहला होता है, इसे कहते हैं एम्बलम्स। नाउ एम्बलम्स को आप ऐसे कर सकते हैं कि दिस इज लाइक अ लोगो, दिस इज लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा लोग वी करते हैं, मतलब विक्ट्री का साइन, और जस्ट लाइक कि एप्पल का कुछ भी प्रोडक्ट लीजिए तो देयर इज एन एप्पल लोगो। सिमिलरली ये जो जेस्चर्स होते हैं इसका एक प्रिसाइज मीनिंग होता है, राइट? जैसे कि थम्स अप करना, जैसे कि इस तरह का एक्सेलेंट करना, और जैसे कि ऐसे करना या ऐसे करना, दैट शोज इज अ परफेक्ट राइट क्लियर मैसेज। सो द फर्स्ट जेस्चर इज एम्बलम्स। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन। द सेकेंड वन इज कॉल्ड इलस्ट्रेटर्स। इलस्ट्रेटर्स क्या होते हैं? इनका खुद में कोई मतलब नहीं होता है, बट जब आप इसको किसी चीज के साथ ऐड करते हैं तो इसका मतलब रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ये चेयर यहाँ से यहाँ कर दो ना, अगर मैं सिर्फ ऐसे बोलूँ तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन साथ में मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये चेयर यहाँ से यहाँ कर दो, इट इज एडिंग टू द मैसेज। सो जो इलस्ट्रेटर होते हैं इनका खुद का मीनिंग नहीं होता है, बट ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं, राइट? लाइक एवरीबडी हैज दैट, एवरीबडी यूजेस दैट, जस्ट लाइक आई एम यूजिंग राइट नाउ। बट अगर आप इसको प्रोग्राम करके, प्लान करके यूज करें, इट कैन रियली इंप्रूव द इम्पैक्ट। आइए बात करते हैं थर्ड वन, विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स कॉल्ड एडाप्टर्स। एंड दिस इज वेयर इट कम्स टू द अनवॉन्टेड जेस्चर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे करूँ या फिर ऐसे करूँ या ऐसे करूँ, नाउ ये सारी जो जेस्चर्स होते हैं दिस इज बेसिकली टू रिलीज बॉडी का टेंशन, जो आप बैठते हुए, खड़े होते हुए, चलते हुए, जो बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के टेंशन आते हैं, वी यूज लॉट ऑफ टाइम दीज जेस्चर्स टू रिमूव दैट। सो दीज आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ नॉट एनी यूज, इसका कोई यूज नहीं होता है। तो अनलेस अनटिल आप स्पेसिफिकली इसको यूज करना चाहते हैं, ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। नंबर फोर, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रैफिक कॉप ऑल्सो, दीज आर कॉल्ड रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स क्या होते हैं कि इसको यूज करके आप अपने कम्युनिकेशन का फ्लो सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेज योर हैंड इफ यू एवर फेल्ट कि मुझे और तैयारी करनी चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट देयर इज सो मच टू लर्न, प्लीज रेज योर हैंड। सो व्हाट आई डिड राइट नाउ इज कि मैंने आपको हाथ उठाने को बोला, और बोलो किसी के पास क्वेश्चंस हैं यू कैन रेज योर हैंड। यू आर गिविंग बेसिकली देम अ डायरेक्शन, जस्ट लाइक अ ट्रैफिक कॉप, जैसे एक ट्रैफिक का पुलिस वाला अलग अलग डायरेक्शन में रोकता है एंड किसी को आने को कहता है, किसी को जाने को कहता है। सिमिलरली जो रेगुलेटर्स होते हैं, जब हम जेस्चर्स की बात करते हैं, दे अलाउ फॉर द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? जैसे आपने किसी को बोला यहाँ आना, यहाँ आना, वहीं रुक जाओ, सो दिस इज कॉल्ड रेगुलेटर्स। दिस इज वेरी वेरी गुड व्हेन यू आर ट्राइंग टू डायरेक्ट द कम्युनिकेशन। सो दैट इज द फोर्थ वन।
एंड पांचवा है विच इज कॉल्ड अफेक्ट डिस्प्ले। बेसिकली इसमें हम अपने फेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्साइटेड हूँ तो माई फेस विल ग्लो, माई आईज विल बिकम बिग एंड माई वॉइस विल ऑल्सो बी लिटिल लाइक आई एम सो एक्साइटेड। और अगर मैं दुखी हूँ आई विल एक्चुअली बी प्रॉब्ली लुकिंग डाउन, मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी रहेगी, माई फेस विल ऑल्सो श्रिंक। सो दिस इज यूज टू डिस्प्ले द डिफरेंट इमोशन। एंड अगर आप स्टोरी टेलिंग की बात करें, दिस अफेक्ट डिस्प्ले इज वेरी वेरी क्रूशियल बिकॉज इसको यूज करके आपकी ऑडियंस समझ सकती है कि आप कौन से इमोशन से गो थ्रू कर रहे हैं एंड दे विल बी एबल टू रिलेट मोर। सो ये थे हमारे पांच टाइप के फंक्शनल जेस्चर्स। नंबर वन एम्बलम, जिसका यूज करते हैं आप प्रिसाइज मैसेज के लिए। नंबर टू इलस्ट्रेटर, जिसका यूज करते हैं आप ताकि कुछ मैसेज को इलस्ट्रेट कर सकें, ऐड कर सकें। नंबर थ्री है अडैप्टर्स, जो कि हमारा बेसिकली बॉडी टेंशन को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नंबर फोर इज रेगुलेटर, जहाँ पे आप फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड नंबर फाइव इज डिस्प्ले अफेक्शन और अफेक्ट डिस्प्ले, जिसके थ्रू आप अपना फेस, अपना टोन, अपना हैंड जेस्चर को यूज़ करके एक इमोशन को डिस्प्ले करते हैं। तो ये थे हमारे पांच जेस्चर्स। अब बात करते हैं कि जब हम फंक्शनल जेस्चर्स की बात करते हैं, क्या डूस क्या डोंट्स हैं और क्या टेक्निक है जिसको यूज़ करके आप अपना जेस्चर्स बेटर कर सकते हैं। तो जो हम डूस की बात करते हैं कि अगर आपको जेस्चर्स यूज़ करने हैं, सबसे पहली चीज़ है बी प्रैक्टिकल, नेचुरल एंड ऑथेंटिक। अगर कोई जेस्चर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको अभी और करने की ज़रूरत है तो उसकी प्रैक्टिस करिए एंड मेक इट एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ यू स्पीकिंग। So this is very very important. The second one is align gesture with the tone and mood of your story. Which means that अगर मैं बहुत excited हूँ तो मेरी आवाज़ भी excited होगी, but अगर मैं बोलूँ मैं तो बहुत excited हूँ, now do you feel the contrast? और बोलूँ मैं तो बहुत दुखी हूँ, right? It is not feeling like I am actually sad. So your gesture should be complemented with your tone, with your facial expression. अगर नहीं होता है then your audience gets confused, और अगर आपकी audience confused है तो आपका message उन तक नहीं पहुँचेगा। So the second thing that you must do is make sure कि जिसको कहते हैं English में it should be a congruity. Whatever you are saying, whatever you are feeling, whatever you are doing should be in congruence, should be in the same fashion. तो तीसरी चीज़ है वो है कि आप gestures को use करिए अपने सारे important moments के लिए। Sometimes you have to plan कि इस time पे हम कौन सा gesture use कर सकते हैं ताकि हमारा message बहुत ही ज़्यादा clear हो जाए। तो you have to plan for that. नाउ बात करते हैं तीन डोंट्स की जो आपको नहीं करना चाहिए, यू शुड अवॉइड। नंबर वन इज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग रिपीटेटिव जेस्चर्स इज नॉट गुड, इट कैन एक्चुअली ब्रेक योर मैसेज। सो ट्राई टू अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग जेस्चर्स जहाँ तक पॉसिबल हो। नंबर टू, कई बार हम कल्चरली सेंसिटिव नहीं होते हैं, मतलब कि हमें पता नहीं कि उस जेस्चर का लोकेशन पे, उस कंट्री में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस प्लेस पे क्या मतलब है, इज इट राइट और रॉन्ग, एंड हम कई बार इनसेंसिटिव होके ऐसे जेस्चर्स का यूज करते हैं। वी शुडंट डू दैट। सो दैट्स द सेकंड थिंग दैट यू शुड अवॉइड और यू शुडंट डू दैट। एंड द थर्ड वन इज बहुत ही ज्यादा यू नो ओवर जेस्चरिंग इज ऑल्सो नॉट यूज। जैसे हमने पहले बोला था डू में कि इट हैज टू बी प्रैक्टिकल, इट हैज टू बी नेचुरल। अगर आप बहुत ज्यादा जेस्चर्स का यूज करेंगे देन इट विल लुक लाइक यू आर एक्टिंग एंड यू आर ट्राइंग टू थ्रो दैट ऑन योर ऑडियंस व्हिच इज नॉट ग्रेट। सो ये हमने बात की डूज एंड डोंट्स की। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपनी जेस्चर्स को इंप्रूव कर सकते हैं, आपका जेस्चर का क्वोशेंट यहाँ से यहाँ ले आ सकते हैं। तो तीन चीजें आपको करनी होगी। नंबर वन, जब भी आपकी नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट स्पीच या नेक्स्ट टॉक है, प्लान योर जेस्चर्स इन एडवांस। जहाँ पे भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वहाँ पे आप लिख दो कि मुझे इस टाइम पे ऐसे उंगली यूज़ करनी है, या मुझे अपना स्माइल करना है, या मुझे अपना टोन को लो करना है। यू हैव टू प्लान। नंबर टू इज टू रिकॉर्ड एंड ऑब्जर्व, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या एक्चुअली में डिलीवर कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करिए एंड देन उसको रिविजिट करिए। माई मेंटर सेज दैट व्हाट गेट्स रिकॉर्डेड gets rewarded. तो अगर आपको rewarded होना है you have to record and revisit. So second thing is that you need to do is record and revisit. And the third thing is get feedback. Now your feedback could be कि आप अपने friend से, अपने peer से लें, but most importantly अगर आपको really next level पे जाना है then take a qualified feedback
फ्रॉम अ क्वालिफाइड कोच हु कैन रियली हेल्प यू। सो ये तीन चीजें करके आप अपने जेस्चर्स का कोशेंट ऊपर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द फंक्शनल जेस्चर्स। प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आपका फेवरेट जेस्चर था जो मैंने 5 जेस्चर बताए, एंड ऑल्सो ऐसा कौन सा जेस्चर था जिसके बारे में आपको पता नहीं था। आई विल वेट फॉर दैट कमेंट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और भी कुछ वीडियोस बनाएं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आई वुड लव टू हैव दैट एंड आई वुड लव टू हेल्प यू। एज आई से एवरी टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। दिस इज कोच हरितोष श्रीवास्तव। I'll see you in the next video.